हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अनम लॉजिक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम के कस्टमर केयर का नंबर आपको कहां से मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। दोस्तों, यहां पे देखिए, मैं अभी मेरे ऐप यहां पे मोबाइल में जो पेटीएम का ऐप है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पर मिलेगा आपके इस पेटीएम के कस्टमर केयर का नंबर। तो यहाँ पर देखिए, ये मुझे कुछ ऐसा बता रहा है कि पेटीएम में एक्टिवेट सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इसको आप फिलहाल अभी के तौर पर बैक कर लीजिए। आई विल बी इट टू बी लेटर कर दीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको जो तीन डॉट का जो बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सा इसके ऊपर आपको क्लिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट करके दिखाई देगा। तो सिंपल सा आपको इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक, तो दोस्तों आपको देखिए कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको यहाँ पे ही कस्टमर केयर का नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर केयर का नंबर आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है कि ऊपर देख के ना आप बैक हो जाते हो, तो बैक नहीं होना है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो 24/7 हेल्प दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, देखिए सारे कस्टमर केयर के नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे आपको पेटीएम के। अगर आपको बैंक वॉलेट एंड पेटीएम से रिलेटेड कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आपको ये पहला वाला नंबर पर क्लिक करना है और कॉल करके जानकारी हासिल करना है। दूसरे वाले नंबर पे अगर मूवीज़ और इवेंट टिकट वगैरह के ऊपर अब अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो दूसरे नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रैवल एंड होटल्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको क्लिक करना है। और पेटीएम मॉल शॉपिंग ऑर्डर के रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आपको ये चौथे नंबर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये अलग अलग टाइप के हिसाब से अलग अलग नंबर अवेलेबल है, तो उनके जो डिपार्टमेंट होते हैं वो इस तरीके से कॉलिंग को एक्सेप्ट करते हैं और वो उनके हिसाब से वो इनकी जानकारी के हिसाब से वो कॉल करके और एक्सेप्ट करके वो हमें उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।